अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कच्चे आम से तीन चीज़ें, एक मीठी चटनी और एक खट्टी चटनी और एक बना रहे हैं ड्रिंक। मीठी चटनी के लिए मैंने लिए हैं आम कद्दूकश किए हुए 1 किलो, चीनी है 250 ग्राम, सुरख मिर्च है 12 ग्राम, ज़ीरा है 12 ग्राम, लहसुन है 10 ग्राम, नमक 18 ग्राम, काली मिर्च 12 ग्राम, प्याज 50 ग्राम। कच्चे आम लें, पानी से धोकर साफ़ कर लें और छिलका उतार कर कद्दूकश कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर 5 से 10 मिनट तक उबलने दें, फिर चीनी मिलाकर दोबारा पकाना शुरू कर दें। पाँच मिनट के बाद इसमें हमने नमक और मिर्च को डाल दिया। अब मसाला जात में लहसुन, प्याज, ज़ीरा, काली मिर्च को मखमल के कपड़े में बांधकर ढीली सी पोटली बना लें और चटनी में डाल दें। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तो मसालों वाली पोटली को निचोड़कर बाहर निकाल लें। चटनी में आखिर पर 1 चम्मच सिरके की डाल दें और ठंडा होने पर साफ और खुश्क जार में भरकर रख लें। कच्चे आम का पानी बनाने के लिए मैंने 2 आम लिए हैं, उनका छिलका उतारा और ब्रीक ब्रीक साइज में कट कर लिया। 2 चम्मच चीनी है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और सफ़ेद नमक जाएगा और 1/2 कप पानी का जाएगा। इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जूस रेडी है, इसे अपने गिलास में निकालते हैं। 1/2 गिलास जूस का लेंगे और बाकी हम इसे 7 अप से फिल करेंगे। चटनी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है 2 आम लिए, उनका छिलका उतार के ब्रीक स्लाइस में कट कर लिया है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना और 1 चम्मच नमक की डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।